अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। नाज़रीन, शहर देवबंद से दो बड़ी खबरें मौसूल हो रही हैं। पहली अफसोसनाक खबर, जो दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद के उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना इस्लाम साहब के इंतकाल के सिलसिले में है। और दूसरी खुशी की खबर है, मसरत की खबर है, जो मौलाना साद साहब की मुलाकात मौलाना अरशद मदनी साहब से हुई है। नाज़रीन, इन दोनों खबरों से मुतालिक बात करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी पर पहली मरतबा आए हों तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो अफसोसनाक खबर है, हुआ सुबह तकरीबन 8:30 बजे ये खबर मौसूल हुई कि हज़रत मौलाना इस्लाम साहब उस्ताद हदीस दारुल उलूम वक्फ देवबंद का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, आप तमाम हजरात से गुजारिश है, दुआ करें अल्लाह ताला हजरत वाला की मगफिरत फरमाए, कब्र में करवट करवट आराम नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस मियाँ आला से आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, दूसरी जो खबर है वो मौलाना साद साहब की आमद देवबंद हुई। मौलाना साद साहब ने खसूसी मुलाकात अमीरुल हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब से की। उसके बाद बजरिए मुफ्ती मोहम्मद फुरकान साहब कासमी सिफतुल इमाम अबू हुरैरा शेखुल हिंद कॉलोनी देवबंद तशरीफ आवरी हुई। मौलाना साद साहब के हमराह उनके साहबजादे भी थे। नाज़रीन, ये खसूसी मुलाकात मौलाना साद साहब की मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से हुई।